चलिए मैथ्स की कॉपी निकालिए और आज की डेट डालिए, ठीक। मैं जो क्वेश्चन देख पा रही हूँ उसको लिखिए। तुम पेंसिल पकड़ी लो सब। चलिए आज की डेट डालिए। इरेजर ले लो। चलिए डेट डालिए, लिखिए। मैम मैम जो आप लिख रहे वो नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है बेटा, चल तो रही है वीडियो। ए वाली लाइन जो आपने लिखा था वो नहीं दिख रहा। अभी जो लिखा अभी मैंने मिटा दिया है, देखो मैं लिख रही हूँ। दिख रहा है मैंने क्या लिखा। मैं क्या लिख रही हूँ दिख रहा है ये कॉपी में? मेरी वॉइस आ रही है ना? लिखना स्टार्ट करिए बेटा। The month before June. क्या लिखा मैंने? write the answer of this question. इन क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ उनका आंसर लिखना है। तो मैंने क्या लिखा है पहले? The month before June. जून से पहले, बिफोर माने पहले होता है ना, तो बिफोर द मंथ बिफोर जून, जून से पहले कौन सा मंथ आता है? बेटा म्यूट करिए, आवाज आप लोग की नहीं सुनाई दे रही है। बताओ
जून से पहले क्या आता है? यस मैम। यस मैम नहीं, जून से पहले क्या आता है ये बताओ। जून से पहले, जून से पहले कौन सा मंथ आता है बेटा? जून से पहले आता है मई। हाँ मई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मई, है ना? मई आता है ना मई। यस मैम। लिखिए, चलिए लिखना स्टार्ट करिए कॉपी में। मैं ये क्वेश्चन लिखूंगी, द मंथ बिफोर जून, तो आप लिखोगे मैं, ठीक है? अब नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। ये फर्स्ट वाला लिखा, फर्स्ट वाला लिखा मैम। यस मैम। आराम से लिखो। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, पकड़ो। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या लिखा? व्हाट इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर? What is the last month of the year? December. Very good, Shagun. December. साल का आखिरी महीना कौन सा होता है? December. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? December. 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 बेटा दिखाई तो दे रहा है ना, मैं बोर्ड पे क्या लिख रही हूँ? लिखिए दिसंबर। लिखिए क्वेश्चन नंबर टू डालिए और लिखिए व्हाट इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, उसके बाद उसका आंसर लिखिए दिसंबर। अब लिखो M यहाँ से W H तुमको समझ में M O N T आधे आप लिख रहे हो कि नहीं बेटा? अच्छा लिखो इसको यहाँ पे D नहीं B E F O R E F O R E इतना दूर दूर क्यों लिखे? पास लिखो यहाँ पे, ऐसे ये ऐसे बना दो ना, ये यहाँ से बना दो दूसरा भी हो जाए तो बताइएगा, मैं आगे लिखाऊंगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री पे क्या होगा? हाउ मेनी मंथ्स, हाउ मेनी मंथ्स in a year? How many months in a year? तो इसका आंसर क्या होगा? How many months in a year? एक साल में कितने महीने होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 12. यहाँ कैसे लिखेंगे? स्पेलिंग लिखेंगे 12 की, TEWELVE 12. TWELVE 12. How many months in a year? तो उसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे? 12. कैसे लिखेंगे? स्पेलिंग में लिखेंगे TWELVE 12. लिखिए, ये तीनों क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं और लिखाऊं।
लिखिए और मुझे कॉपी दिखाइए। मैम बच्चे ही गायब हो गए इस क्लास में। वही तो हाँ एक एक छोड़ के नहीं, जब इस एलकेजी में दे आप कभी पहले में ले लीजिए कभी दूसरे में ले लीजिए। यूकेजी का तो दो दो सही है क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं। नर्सरी के में तो बच्चे देख रहे हैं मैम सारे बच्चे गायब हैं। शगुन आदि को संस्कार बस तीन बच्चे हैं। ऐसे पढ़ाने में भी अच्छा नहीं लगता मैम। हाँ मैम पता नहीं कब से चाक की चोट लेके बैठा। पहले बोलो तो साफ कह देगा हम लिख नहीं पाएंगे। संस्कार तो लिख रहा है मैम, संस्कार लिख रहा है। तबीयत ठीक नहीं हम क्या आराम कर। हाँ पढ़ रहा है कह रहा मैम लिख लेंगे। क्या लिख लो बेटा लिख रहे हो। संस्कार हाँ बोल दिए आपके बेटा। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप आराम कर लो फिर हम जो है बाद में कुछ वीडियो देख कर लिख लेना। L A S T L S L आदि आप लिख रहे हो। स्मॉल हाँ A लिखो। या हाँ A S A S S T यहाँ लिखो L A S। अब यहाँ वो लिखो मैम देखो एकदम साफ लिखी है बेटा। ये देखो टी ना टी लिखो टी हाँ यही टी लिखो। अब यहाँ से लिखो टी यहाँ लिखो एम एम यहाँ यहाँ लिखो एम एम ओ एन टी एच फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। दीजिए आप लोग फर्स्ट वाला लिखा। शगुन फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया बेटा। फर्स्ट हो गया ठीक है। सेकंड भी हो गया। ठीक है बेटा ठीक है लिखिए लिखिए। फर्स्ट वाला ही मिटा रहे हैं बाकी कोई सा नहीं मिटा रहे भाई। बाकी लिखिए आप क्या है कि कितने नहीं तो यहाँ लिखो टी एच लिखो ट्वेल्थ इस वाले ई अपने से लिखो पास पास में और यहाँ क्वेश्चन लिखो ना। हाँ बस पकड़ो आंसर लिखो वाला जब आंसर लिखना तो ऐसे ही लिखना आवश्यक। अब जो मैं क्वेश्चन उतार ही नहीं उसे को डबल बी कोड अब मैंने क्या लिखा इधर देखो मैंने लिखा Which day comes after Friday? कौन सा दिन फ्राइडे के बाद आता है? तो कौन सा दिन आता है फ्राइडे के बाद? फ्राइडे के बाद सैटरडे। सैटरडे। तो फोर्थ वाले का आंसर क्या होगा? सैटरडे। ए वाई ए बी वाई ना। वाला क्वेश्चन मैंने लिखा Which day comes after Friday?
तो आप आंसर लिखेंगे सैटरडे, ठीक है। कॉपी क्या की है? नहीं, नंबर फाइव शगुन स्पेलिंग ए वाई ए वाई ए स्पेलिंग गलत नहीं लिखना, स्पेलिंग देखो बेटा मैंने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है बोर्ड पे, स्पेलिंग गलत नहीं लिखना। अब मैंने लिखा हाउ मैनी डेज, फिफ्थ वाला क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, हाउ मैनी डेज इन अ वीक, हफ्ते में कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं? सात। क्या बोलेंगे? सेवन। तो क्या यहाँ पे कैसे लिखेंगे? सेवन की स्पेलिंग लिखेंगे, सिर्फ सेवन लिख के नहीं छोड़ना है, यहाँ लिखना है सेवन की स्पेलिंग एस ई वी ई एन सेवन। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन लिखा मैंने हाउ मेनी डेज इन अ वीक, तो आप लिखेंगे सेवन एस ई वी ई एन सेवन। चलिए आप करिए सेवन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग लर्न भी करिएगा, ओके। इतना दूर दूर लिखोगे तो अटेगा कहाँ से? कर इसे पास पास में कर हाँ बेटा, क्या दिखा रही है? वो क्या दिखा रही हो मैम? देखिए सामने दी, रखो अब इसकी रीडिंग लगाओ। इधर दिखाइए शगुन, क्या दिखा रही है बेटा? दिखाइए कॉपी। वेरी गुड, दिखाया आपने, वेरी गुड मैम। दूसरा वेरी गुड, बिल्कुल ऐसी, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिख
लिखा है, ऐसे ही साफ साफ लिखा जाता है. वेरी गुड. ठीक है बेटा, बस आज के लिए इतना ही. बाकी बच्चों को लिखने दीजिए. ठीक है. अभी 10 मिनट का टाइम बताने लगा. 10 मिनट बाकी है. 10 मिनट क्या ओवर होने वाली है क्लास.
ठीक है, आप लोगों ने लिखा बेटा, मैंने जो क्वेश्चन आप लोग को अभी बोर्ड पे लिखा है वो लिखा आपने, आप लोगों ने लिखा क्वेश्चन, ओके, राइट दीज कॉपीज एंड लर्न, ओके, इसको लर्न भी करिएगा आप लोग, ओके. अरे क्वेश्चन हो गए आप लोग के बेटा, मैंने जो क्वेश्चन लिखे हो गया. मैं सेंटर देख ली है, एक सेकंड बेटा मैं देख रही हूँ. हाँ दिखाइए बेटा कॉपी, लिख लिया आपने? वेरी गुड. सारे क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन पूरे हो गए ना? यस मैम. ओके बेटा, ठीक है. अब लर्न भी करिएगा, ओके मैम. ये बेटा मैम क्या बोली? लर्न भी करना ठीक है, याद तो मम्मा इसको कलर वाला नहीं रखा.